नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों। तो आज हम दोनों खाऊ लोग आए हैं मुंबई की एक बहुत ही पॉपुलर जगह महावीर नगर, और ये है महावीर नगर की खाऊ गली। और यहाँ पर इतना कुछ मिलता है खाने को कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या खाएं। आपकी समझ में आ रहा है क्या खाएंगे? इतनी सारी दुकानें दिख रही है, इतना सब कुछ है यहाँ पे। कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। हाँ। तो चलो आओ वहाँ से शुरू करते हैं। आओ, आओ। अरे आओ तो सही, अरे आओ ना, आओ आओ। पहले हम लोग शुरू करते हैं पानी पूरी और चाट से, क्या बोलती है? नहीं, वैसे तो पानी पूरी चाट बहुत पसंद है मुझे, पर खाने का टाइम है ना, प्रॉपर खाना खाएंगे। तो आज लंच में ये नहीं खा सकती? नहीं, आज मन नहीं है ये खाने का, मतलब बाद में खाएंगे, शाम वाम के टाइम। तुम्हें बताओ कहाँ चलें? आगे देखते हैं कुछ। चलो अब कहाँ लेके जा रही हो? चलिए सैंडविच खा लेते हैं, चीज वाला सैंडविच, कोई अच्छा सा चीज वाला सैंडविच। पानी पूरी और चाट तो खाने नहीं दी, कहती है कि वो सब खाने की चीजें मतलब हैं, लेकिन खाने के टाइम पे नहीं खा सकते। सैंडविच खा सकते हैं लंच के टाइम पे? हाँ खा सकते हैं, सब्जी भी होती है उसमें। मैं नहीं खाता सैंडविच लंच के टाइम पे, मुझे भी प्रॉपर खाना चाहिए। अभी मैं भी चाट नहीं खाऊंगा, तुम्हें सैंडविच भी नहीं खाने दूंगा। अरे वाह, वहाँ चलते तो शाम को आ जाएंगे फिर सैंडविच खाने भी। चलो चलो, फाइनली मिल गई ना प्रॉपर खाने की जगह, आज चाइनीज खाते हैं। नहीं नहीं, चाइनीज का आज मन नहीं है, पसंद तो है लेकिन आज मूड नहीं हो रहा है। पसंद तुम्हें सब कुछ है लेकिन आज कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है? नहीं मतलब पता नहीं क्या, कुछ खाने का मन तो है, समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं। अरे आप ही बताइए कहाँ लेकर जाओ इन्हें, तुम भी बताओ। चलो मैं क्या बताऊँ, खाओ दोस्त साहब, आप बताइए। आओ फिर आगे। दोस्तों घूमते फिरते ढूंढते ढूंढते हम दोनों थक गए हैं, लेकिन किसी भी सहमति पर नहीं पहुंचे हैं। अब मेरे दिमाग में एक ऐसी जगह आ गई है जहां पर जाकर हम दोनों खुश हो जाएंगे। ऐसी जगह बनी भी है दुनिया में जहां हम दोनों खुश हो जाएंगे? है आपके लिए एक जगह और मेरे लिए भी एक जगह, विश्वास है आपके खाऊ दोस्त पर? है तो सही। वैसे तो चलिए मेरे साथ। कहां? अरे आइए तो सही, अब आएगा मजा। कहाँ जा रहे बताइए तो। अरे चलिए तो सही, इतनी इंपेशेंट क्यों हो रही है, इधर नहीं इधर जाना है। अच्छा ठीक है, पसंद नहीं आया ना तो बताऊंगी बाद में, फिर कल फिर लेके आना पड़ेगा बाहर। क्या पसंद नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता कि पसंद ना आए। अच्छा, और क्या? आई एम वेरी श्योर, तुम्हें मेरी पसंद पता है ना क्या है? हाँ आपकी पसंद मैं हूँ, और क्या है? खाने में और नहीं तो क्या। कितनी दूर चलाएंगे धूप में? और ज्यादा दूर नहीं, ये लो आ गए। अरे इधर देखो, साउथ टिफिन, साउथ टिफिन हाउस, वाओ साउथ टिफिन खाना, और वो भी वेजिटेरियन। अरे अरे फिल्टर कॉफी भी है, वाओ। कॉफी भी होगी कि खाना खाओगी? मैंने पहले कॉफी चाहिए मुझे, मैं नहीं जानती। चलो 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 चलो, आओ आओ आओ। अरे एसी में बैठते ना? अरे नहीं नहीं, एसी में उतना मजा नहीं आता, बिना एसी की मजा आएगा। बात तो सही कह रही है, ये साउथ टिफिन हाउस है ना, ऐसी जगहों का मजा बिना एसी के ही होता है ज्यादा। फर्स्ट क्लास है जो पहले मिली वो, क्योंकि भूख भूख लगी है, टेबल चूज करने का समय नहीं है हमारे पास, समझे? चलो मेनू कार्ड मंगाते हैं फटाफट। हाँ पहले मेरे लिए फिल्टर कॉफी एक ब्लैक मंगवा लीजिए प्लीज। यस चलिए मंगाते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने आ गया साउथ टिफिन हाउस का मेनू कार्ड। अभी जिन्हें साउथ इंडियन खाना पसंद है वही आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। पसंद है क्या? मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन जो आपकी पसंद है वो मैं उसे ना पसंद कैसे कर सकता हूँ? ऑर्डर तो आप ही करेंगे ना। अरे इतनी सारी वैरायटी इडली की है, आंध्रा की इडली भी है, और कर्नाटक की इडली भी है, और केरला की, श्रीलंका की भी है। अरे वाह, श्रीलंकन करी मिनी इडली, कोकोनट इडली। एनीवेज हम आएंगे इडली नाश्ते के लिए, आएंगे कभी है ना, नाश्ते के लिए खुलता होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, सुबह से खुल जाता है 7:30-8 बजे। तो ये उपमा इडली वगैरह जो है, मिसल भी है, अरे बड़े भी। अच्छा मेंदू बड़े में भी कई वैरायटी है, तो पहली बार देख रही हूँ मैं। मेंदू बड़ा सैंडविच, ओ माय गॉड, है मेरी। यू देख, ये लो हमारी फिल्टर कॉफी आ गई। बस डोसा, पनियारम, उत्तपम एंड वैरायटी है फ्रेंड्स। नाश्ते के लिए जरूर लेके आइएगा एक दिन, है ना? बिल्कुल, पहले आज लंच तो खा लें। हाँ मेन कोर्स आ गया। मेन कोर्स में अला कार्ट स्टाइल भी है, लाइक पनीर चटनी ना वगैरह नहीं है क्या? जरा है ना थाली तुमने? हाँ ये रही ना, ये केरला। हाँ, थाली ये मुझे तो ये चाहिए। हाँ ये बस केरला, काफी वैरायटी है इसमें भी ना। यस किसी भी बात। तो फ्रेंड्स इन शॉर्ट समरी बता दूं इस मेनू कार्ड की, इनके पास जो डिशेज है ना केरला से है, चेट्टीनाड से है, और कर्नाटक से है। मेनली आंध्रा के 2-4 आइटम है, बट वैरायटी इज ह्यूज। राइस में, ब्रेड्स में, लंच में, आप कुछ भी कहिए मजा आ जाएगा। और उनके देखो ना फ्यूजन ऑफ डोसास भी है, अलग अलग टाइप के डोसास, बहुत बहुत फ्यूजन। अरे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, पुष्पा डोसा, आई थिंक ये उस फिल्म पे बेस्ड है, पुष्पा जो आई थी। फ्लावर समझा गया, ऑल एवरीथिंग इज क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली आल्सो। यस यस राइट। अच्छा लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, कौन कौन जाके मेन्यू कार्ड के आगे जो चीजों के रेट्स लिखे होते हैं पहले वो देखता है? जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर।
सही है, चलो कॉफी एंजॉय करते हैं। चलो मंगा लीजिए ना, है ना। हाँ कॉफी के बाद वो ऑर्डर कर देते हैं, आप भी लेंगे? नहीं नहीं मैं खाना खाना है अच्छे से। कितनी कॉफी होगी सुबह से? थोड़ी सी शुगर डाल दें। हाँ हाँ ये है असली स्टाइल पीने का, फिल्टर कॉफी। चलिए चीयर्स कीजिए। मैं इसी से भी लेता हूँ। हाँ, पीते हैं ना वैसे? हाँ उसी में पीते हैं, ठंडी जल्दी होती है इसमें, कितनी गर्म है, आई कांट इवन होल्ड इट। अरे वाह, जो फिल्टर कॉफी का मजा है ना, एकदम ऑथेंटिक फिल्टर कॉफी है, उसका है नहीं मजा कोई, सच्ची। देखा मैं कह रही थी ना कॉफी पीते हैं पहले मजा आएगा, बट यू शुड बी थैंकफुल टू मी ना, आखिर में एक ऐसी जगह ढूंढी ली मैंने, तो इसीलिए तो खाओ दोस्त से शादी की है मैंने। तब मैं खाऊ दोस्त कहाँ था जब शादी हुई थी? खाने के शौकीन तो थे। वो तो था। तो दोस्तों कॉफी पी ली है, खाना मैंने ऑर्डर कर लिया है, अब जैसे ही खाना आएगा ना, आई जस्ट कांट वेट। क्या करेंगे खाना आएगा तो? झपट पड़ेंगे। झपट पड़ेंगे। टूट पड़ेंगे। क्या बोलूं? खाना कहाँ है बाकी? अरे आ गया, ये आ गई मेरी थाली। वाओ सो अट्रैक्टिव, तेरी ये तो क्या लग रही है, इतनी स्वाद लग रही है, खत्म करवाऊंगी इसे, इतनी बड़ी थाली है ये। मैं किस लिए हूँ? लाइए जी, खिलाइए। ये क्या है? पनीर चटनी नाड़ो के, थोड़ा डालिए। धन्यवाद। लोगी तुम पनीर थाली में? कितना क्यूट केला दिया हुआ है, ये केला मैं ले जाऊंगी बाद में खाऊंगी। ये क्या है? स्टू है ना? ले लेंगे और साथ में हम खाएंगे पहले पराठा। छास भी देखिए, बहुत स्वाद है। थैंक यू। छास भी देखिए, बहुत टेस्टी है। हाँ प्रॉपर मसाला चाट। जगह बनानी पड़ेगी थाली में मुझे भी, है ना। केला मैं बाद में खाऊंगी, घर ले जाऊंगी, एक्चुअली वेस्ट कुछ नहीं करूंगी। पापड़ मैंने साइड रख दिया, सबसे पहले मैं पराठे से शुरुआत करने जा रही हूँ। चलो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। पराठा यार एकदम फ्लेकी पराठा है। हाँ एकदम फ्लफी, थोड़ा ना एकदम, बस इसके लेयर्स भी दिख रहे होंगे ना एकदम, वो जो राउंड राउंड क्या बोलते हैं, एक्चुअली रियल अच्छा बोलते हैं। मलबारी कौन सा होगा ये? मलबारी पराठा है। आई एम ईटिंग वन वेजिटेबल, आई एम स्टार्टिंग, आई कैन नॉट वेट। कौन सी वेजिटेबल खाई तुमने पहले? कुकुम्बर की। सही है ना? So delicious, so yummy, just looking like a wow. Wow, wow. दोस्तों अब मैं ट्राई कर रहा हूँ ये पनीर चटनी नाड है, ये साथ में है पराठा, तो लेट मी टेक अ लार्ज चंक ऑफ पनीर। हाँ 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 ये देखिए। You have to taste it. I will. मैं खा रही हूँ चने की सब्जी। भाई थाली बहुत tempting लग रही है। Very peppery, very nice. I love this हरी मिर्च, this fried मिर्ची। Fried मिर्ची है। Spicy नहीं है? चम्मच दीजिए। ना spicy ना? ये ना बूंदी अलग से दी है, मैं इसको रायते में डाल लेती हूँ। अरे fried है ना? क्या चीज? बूंदी। बूंदी तो fried ही होती, चलता है कभी कभी। है कि नहीं? वैसे अलग से खाने के लिए दिए, लेकिन मैं थोड़ी मिक्स कर रही हूँ, जस्ट फॉर द क्रंच इन द रायता। तो मिक्स करो, मैं टेस्ट करता हूँ। हाँ करिए, ऐसे टेस्ट करिए, मजा आएगा। वैसे ही कर रहा हूँ। एंड दिस इज बीटरूट सब्जी, जो कि सर्व्स लाइक अ सैलेड आल्सो, तो मैं क्योंकि सैलेड थोड़ा खाना पसंद करती हूँ, तो ये पहले सब्जी फिनिश कर दूंगी पूरी। वाह अच्छा लगा बूंदी का, कितने साल की बूंदी की वजह से क्रंच आ जाता है। पनीर टेस्ट करोगे? हां पनीर टेस्ट करती हूं। लो गुड बिग पीसेस ऑफ पनीर, बिग चंक्स जस्ट, मैं बोलूंगा नहीं, अभी तुम ही खा के बताओ। है कि नहीं दम? एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था पनीर हम रिलेट करते हैं यूजुअली पंजाबी स्टाइल से, मुझे लगा था ओके ओके होगा, समथिंग वेरी डिफरेंट। इसके साथ खा सकते हैं या पनीर अपम? यस बिल्कुल अपम के साथ खाओ, उसमें गन पाउडर भी पड़ा हुआ है, ये देखो गन पाउडर डाला हुआ है ऊपर। कैसे से लगा दे, सॉफ्ट एंड फ्लेफी। हां हां मतलब दिस इज लाइक अ सरप्राइज आइटम, पनीर ये जो है ना सरप्राइज है। मेरे सामने मेरा पनीर खत्म होते जा रहा है। आओ जी अब मैं स्टू खा के देखता हूँ, ठीक है? ये है वेजिटेबल स्टू केरला स्टाइल, कोकोनट मिल्क में बना हुआ है, खूब सारी वेजीज पड़ी है इसके अंदर। और
यार इसलिए ना मुझे साउथ इंडियन खाना इतना पसंद है, इतना लाइट, इतना माइल्ड, बट क्या फ्लेवर है यार। और मेरी तो केरला था लिए ना, चारों फ्लेवर्स मसाला, मतलब कह भी नहीं सकते स्ट्रॉन्ग है, इट्स वेरी बैलेंस्ड। यार तुम साउथ इंडियन क्यों नहीं हो? क्यों, घर में खाना बना के देती ना ऐसा रोज? डोसा बनाती तो। चलो नेक्स्ट जन्म में साउथ इंडियन बन जाना, ठीक है? इतनी बीवी फिर भी बनोगी क्या? क्या बोल दिया मैंने? हाँ हाँ वेरी गुड यार, अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ जो हम आर्ग्यूमेंट कर रहे थे पहले, यहाँ जाने वहाँ नहीं जाना, जो लास्ट हमारा चॉइस था हमको कुछ कर दिया थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। मेरा भी तो सेल्फिश इंटरेस्ट है। ये रसम तो मैं सोच रही हूँ राइस के साथ सांभर और रसम खाऊंगी, सब्जी इसके साथ खाती हूँ। मुझे ना ये जो क्या खीरा है ना, कौन सा वाला, साउथ इंडियन, साउथ इंडियन कुकुम्बर बोला, बड़ी जबरदस्त लग रही है, अलग ही लग रही सब्जी। मुझे भी तो टेस्ट करना है, तो दीजिए एक बार भी अभी तक ऑफर नहीं किया, थाली शेयर नहीं की जाती इसलिए। अच्छा टेस्ट तो की जाती है, कर लो। हर चीज का टेस्ट अलग है, अलग है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। क्या मैंने ना बहुत कम जगह इतना सॉफ्ट मलबारी पराठा मंगाया है। हाँ सीरियसली, मतलब मिला है, बहुत सॉफ्ट है, हमने पहले भी खाया बट इट्स लाइक रियली सॉफ्ट, जस्ट लविंग इट। तुम पूछो ना, ये हमारे घर के पास भी है कहीं, और मुझे पता किया मलाड ईस्ट में भी है। हाँ और फ्रेंड्स इनकी ब्रांचेस ना अभी फिलहाल कांदीवली में है, गोरीवली में है, मलाड में है, और हाँ मीरा रोड में भी है। रसम, सी लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ रसम पीते हैं, ये तो बड़ा ही ऑथेंटिक लग रहा है रसम, अमेजिंग, टैंगी, पतला पानी जैसा होता है ना सूपी, सांबर टेस्ट करो यार। इसको इतनी ज्यादा चीजें मिलेंगी, इतनी सारी, मेरे को सिर्फ दो चीजें मिली हैं। दोबारा आएंगे ना, आप भी वेज थाली लीजिएगा फिर। ये नहीं बोलती कि खाना ना आप भी इसमें से, दोबारा आएंगे खाने के लिए। सांबर सब अच्छा, बहुत दाल इज सो सिंपल एंड सो नाइस। ये रसम तो मैं सूप की तरह पी जाऊंगी पहले ही। आई एम जेलस, हमें तो इसी में डाल रहा हूँ यार। आपने थाली मंगाई क्यों नहीं? हाँ 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 लेकिन मेरा भी कुछ कम स्वाद नहीं है, तुम्हारे में वैरायटी है, टेस्ट है, हमारे में टेस्ट है, वैरायटी कम। चलेगा चलेगा, जस्ट लविंग इट। मिस टू चटनी नाड़ का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है, सही में। क्योंकि चटनी नाड़ी तो हल्का हल्का स्पाइसी है, और चटनी नाड़ के सारे मसाले, और ये माइल्ड और थोड़ा सा स्वीट है, तो दोनों भाई बहन ना मुझे खुश कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त है। आपकी आधी बातें सुनाई दे रही है, फिलहाल मैं इतना खाने में मगन हूँ। आपको सुनाई दे रही है ना, बस हो गया, इनको खाने दो। हाँ मस्ट ट्राई फ्रेंड्स, इफ यू आर इन मुंबई या फिर आ रहे हैं यहाँ पे, मस्ट ट्राई, मतलब केरला का मज़ा भी यही मिल जाएगा। इनकी जो वेबसाइट है ना, इनका लिंक दे देंगे। अच्छा जो डिस्क्रिप्शन में, क्लाउड किचन में, मतलब आप घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। अरे वाह, तो वेबसाइट पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस जगह की, एंड इट्स ओपन फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, अगेन वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट, सब कुछ साउथ इंडियन है। फैमिली के साथ आएंगे एक दिन संडे को नाश्ता करने सब लोग, है ना, मम्मी को लेके, आरब को, सबको। मतलब यहाँ पर अगर आप आए ना, तो ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको पंजाबी डिशेज भी मिलेंगी, तंदूरी भी मिल जाएगा, चाइनीज भी मिल जाएगा, ताकि है नहीं मेन्यू में, मुझे तो ऐसा लगा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ओनली प्योरली साउथ इंडियन, प्योरली साउथ इंडियन, एंड साउथ इंडियन में भी फ्रॉम कर्नाटक, फ्रॉम केरला, यस, चेट्टीनाड। बातें आप करो, हमें खाने दो। हाँ हाँ घर पे तो उल्टा होता है ना, तो बाहर आके तो बातें करने का मौका मिला, और कोई सुनने वाला भी मिला है, घर पे सुनता कौन है हमारी, बातें करो। कटोरी साइड करके जगह बना रही हूँ, बनाओ बनाओ। दिस इज बेसिकली भात, और इससे इंस्पायर्ड आपको पता है मैंने एक रील बनाई थी, रेसिपी बनाई थी, जो कि बहुत लोगों को पसंद आई, और इसी से इंस्पायर्ड थी, वो थोड़ा सा मेरा अपना ट्विस्ट था। मुझे क्यों नहीं खिलाई वो रेसिपी, पता नहीं कहाँ थे आप, खाने बिजी होंगे। नाइस, अलग है थोड़ा सा,
एक और बाइट खाई जाए, समथिंग डिफरेंट अबाउट इट। ये जैसे हम पंजाबियों में खिचड़ी खाते हैं ना, हाँ, साउथ इंडिया में बिस्की बेली भात खाई जाती है और ये हर स्टेट में होती है। साउथ इंडिया के हर स्टेट में, पांचों स्टेट में अलग टेस्ट मिलेगा बिस्की बेली भात का। हाँ, मैंने जो खाया वो अलग था एक्चुअली, दिस इज डिफरेंट बट नाइस। इनको तुम्हें पूछना पड़ेगा कि ये जो बिस्की बेली भात की रेसिपी है ये साउथ के कौन से स्टेट की? केरला खा लिए तो केरला की होगी ना। तुमने ज्यादा करके जो खाई है ना वो कर्नाटक साइड की खाई है, उड़पी की। उनका टेस्ट अलग होता है, इनका टेस्ट अलग होता है। वाह, मजा आ गया। तो दोस्तों सिंपल सा रेस्टोरेंट, नाइस एम्बियंस, साउथ की पूरी फील आती है। हाँ नहीं, साउथ की पूरी फील भी आती है। यहाँ पर ये जो डेकोर है, ऐसे सर्व करने का तरीका है, हर थाली में आप देख रहे होंगे केले के पत्ते हैं और केले के पत्ते के ऊपर ही इन्होंने खाना सर्व किया है। दिस इज अगेन वेरी हाइजीनिक, वेरी वेरी हाइजीनिक, क्योंकि ये केले के पत्ते डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं और ये हार्मफुल जरा भी नहीं होते ना फॉर द एनवायरनमेंट, हमारे लिए भी नहीं। हाँ, हमारे लिए भी नहीं। तो खाना अच्छा, खाना हेल्दी, हेल्दी वे ऑफ सर्विंग एंड अ नाइस स्मॉल रेस्टोरेंट। और अच्छा किया तुमने मुझे नॉन एसी में बिठाया, मैं वही कहने वाली थी। फील यहीं पर है। हाँ, फील यहीं है। हाँ। वाह, क्या फीलिंग है, क्या खाने जा रही है अब? राइस, मेरे फेवरेट, थोड़े सांभर के साथ खाऊंगी, थोड़े दाल के साथ। हाँ, मेरा तो पेट ही भर गया है। चावल तो हाथ से खाएंगे, एक्चुअली पराठा खा लेते हैं ना, पराठा थोड़ा फीलिंग भी होता है ज्यादा, और इतना अच्छा है कि मेरा पेट भर गया है, रुक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। और चावल तो खाए जाएंगे हाथ से, इस पे क्रंच के लिए डाली जाएगी थोड़ी सी बूंदी ऐसे ऐसे करके। वाह, क्या स्टाइल है, ऐसे ही तो मजा आएगा असली। हाँ हाँ हाँ, हरी ये मिर्ची जो फ्राइड है इसको हाथ में लिया जाएगा, रेडी किया जाएगा और ऐसे खाया जाएगा। कोई कितना खुश है आज। हाँ, अब खाए जाएंगे दाल चावल सांभर चावल के बाद। पहले खाया तुमने रसम? नहीं, चावल के साथ खाने के लिए वैसे। हाँ, रसम भी, सांबर भी और दाल भी। हाँ, ये सब भी वैसे खाया जा सकता है, जो वेजिटेबल्स थी ना वो भी खाई जा सकती है। हाँ, मैं तो अभी तक अपने पनीर चेट्टीनाड और पराठे पे अटका हुआ हूं, आई जस्ट कांट लीव इट। और वो स्टू खा लिया, खत्म कर दिया, वो भी खा रहा हूँ। इतनी सिंपल और अच्छी दाल है ना, मजा आ गया। तुअर की होगी? वो नहीं पता मुझे कौन सी अच्छी है, बस वही होती है। मैं ना बहुत जल्दी शादी और अच्छी घर पे पनीर चटनी नट बनाने वाला हूँ। वेट फॉर द रेसिपी फ्रेंड्स, आरव को बहुत पसंद आएगा, प्लीज बनाइए, मुझे तो आएगा ही। आरव विल आल्सो लव इट। ये खाती जा रही है ना, मेरे से भी रुका नहीं जा रहा, मैं भी और खाते जा रहा हूँ। हाँ अपम आ जा भाई, मैं स्टू के साथ खाऊंगा। सच्ची में कोई जवाब नहीं आ रहा है इधर से, तीन चार सवाल पूछ चुका हूँ अभी तक, सुनाई नहीं दे रहा मुझे कुछ। अरे मुंह से खा रही हो, कान से खा रही हो? फुल्ली एंड ग्रॉस, सब पांचों सेंसेस वहीं लगाने चाहिए खाते रहे। अच्छा, हमारे लिए कोई सेंस नहीं बचा, कान सेंस। खाओ खाओ खाओ, एक मीठा बाकी है, जरा नींबू लीजिए, उस पे थोड़ा नींबू डाल के मजा आएगा। और चटोरी चटपटी, खट्टी खट्टी दाल नाम है, चटोरी चटपटी। अब हुआ कंप्लीट, और मजा आया। अब क्या देख रहे हैं इसमें? अरे मीठा मंगा रहा हूँ। अरे थाली में था ना ये मीठा, यही शेयर कर लेते, वैसे मेरी थाली में था और थाली शेयर नहीं करनी चाहिए, फिर भी आपको टेस्ट करा देती हूँ। अरे देखो ना, कोकोनट हलवा है, साबुदाना पायसम है, कोकोनट सीजनिंग ब्राउनी है। भूख है आपके पेट में, जगह है? वो तो नहीं है। ओवरईटिंग मत कीजिए, कितनी बार बोला है, नेक्स्ट टाइम। हाँ और क्या, चलो आई थिंक ये कोकोनट हलवा ही है मुझे। नहीं, ये मेरे को लगता है केसरी पाइनएप्पल हलवा है, पता नहीं, चलिए देखते हैं। मुझे कोकोनट लग रहा है, देखें इसका आइडिया कोकोनट है, तो पूछ लेते हैं। मुझे पाइनएप्पल का स्वाद क्यों आ रहा? बनाना है इसमें, केला है, कौन सा हलवा है? बनाना है, पाइनएप्पल शीरा है जी। मुझे आया पाइनएप्पल का फ्लेवर सीधा खाते ही, हम पता नहीं कैसे है सच्ची। वो मजा आ गया, कम खाओ,
लेकिन अच्छे से खाओ, क्यों स्वाद ले लेके खाओ। अच्छा क्या और कुछ नहीं मंगाया? देखिए आखिर नोक झोंक का भी कुछ फायदा हो ही जाता है, जैसे आज हमें हो गया, जबरदस्त टेस्टी खाना मिल गया और पेट खुश हो तो हम दोनों खुश। यस फ्रेंड्स, हर रिलेशनशिप में नोक झोंक, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होना ही चाहिए, और हमारा अक्सर लड़ाई झगड़ा और नोक झोंक ना खाने को लेकर होती है। इसको ये नहीं खाना, इसको ये नहीं खाना, इसको ये नहीं खाना, इसको वो नहीं खाना, बट लेकिन अल्टीमेटली हम एक सहमति पर पहुंचते हैं। और देखो तालियां भी बज गई हमारे लिए, वो इसी वजह से बजी हैं कि हमने जो कहा है सच कहा है। लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, लेकिन प्यार बरकरार रखिए। तो ये ब्लॉग इसी प्यार भरी बातों के साथ हम यहीं खत्म करते हैं। अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिए, तब तक आप सब खाइए पीजिए ऐश कीजिए। धन्यवाद।